हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब? अच्छे होंगे दोस्तों। दिनों दिन प्लांट लवर अपनी टेरेस को सुंदर बनाने में लगा रहता है, तो यही मैं की हूँ। रोज़ नया नया कुछ करती रहती हूँ, और फिर मेरे को लगा कि मैं ये स्टैंड ले लूँ जिससे कि मैं इसमें अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा पाऊँ। पहले मेरे पास गोल गोल स्टैंड थे, तो उसमें झाड़ू नहीं निकल पाती थी अच्छे से। फिर ये मेरे हस्बैंड ने ये सारे स्टैंड दिलाए हैं जिससे मैं इसको सेट करूँगी, और उसके बाद फिर भी आपको लुक दिखाऊँगी कैसा लुक रहता है टेरेस का। और अभी मेरा पहले का लुक कुछ इस टाइप का दिखता है, और इसको मैं मैनेज करूँगी, अच्छे से सेटिंग करूँगी और आपके साथ अपडेट करती रहूँगी। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और बहुत मेहनत लगी है दोस्तों सेटिंग करने में, और बारिश भी आई है। मैंने मतलब गमले भी कलर किए हैं, और किए क्या मतलब करवाए हैं। और ये सारा पेंट जो है मेरा बारिश में, अब क्या ही बताऊँ मैं, थोड़ा हल्का हो गया है। कोई नहीं, साल में एक बार तो वैसे ही कलर करना ही चाहिए। और ये दोस्तों तुरई लगी है, लौकी भी लगाई है, करेला भी लगाया है, और ये टमाटर है। और अभी ये थोड़ा अस्त व्यस्त है टेरेस मेरा, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है दोस्तों अच्छे से सेटिंग करने में। तो अभी धूप वाले पौधे भी एडजस्ट करूँगी, छाया वाले अलग एडजस्ट करूँगी। बस दोस्तों कुछ अच्छा ही लग रहा है टेरेस पे, थोड़ा जो भी हुआ है मेरा काम बहुत अच्छा हुआ है। अभी सेंटिंग वेंटिंग चलती रहेगी ये तो। और दोस्तों इस तरफ है मेरा जो है, मैंने ये गोल वाले भी बनवाए हैं स्टैंड, और बाकी काफ़ी कुछ खर्चा हुआ है। ये खर्चा 20-25 हज़ार तक पहुंच गया, क्योंकि कई काम किए हैं हमने टेरेस पे। और ये देखिए गोल वाला स्टैंड भी है, ये बड़े बड़े जो है ना ग्रो बैग उसके लिए। और इस तरफ आइए दोस्तों, यह है एडेनियम का कलेक्शन, और बड़ा ही प्यारा और सुंदर लगता है। और दोस्तों मैं अब ज़्यादा नहीं करूँगी ना स्टैंड और ना प्लांट्स, बस इन्हीं को मैनेज करना चाहती हूँ और अच्छे से सुंदर बना के रखना चाहती हूँ। बहुत ही सुकून मिलता है हरियाली के बीच में आके, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा